सुबह जब हम कॉलेज आए थे 7:30 बजे, ये जरूर मेंशन करूँगा, बहुत जल्दी बनाया लोगों ने। तो ना यार ये ऊपर जा रही है ना ये खुल रही है, पता नहीं क्या हो गया। एक साइड कुछ उल्टा से, अबे चल गई, 6 तो दबाया तो चल गई, फिर मतलब इज्जत ही नहीं है भाई 5th फ्लोर की। गार्ड भैया बैठे थे, गाने सुन रहे थे, मैंने लहंगा ले दे मर जाने। ये रेंचो बनने की कोशिश कर रहा है, यहाँ भी ये लिखेगा क्या क्या ये लिखा था उसने, फरानाइट्रेट सांप टाइप कुछ है, काफी सही घूमता है। एक लड्डू से बंदा तो नहीं चल रहेगा, ये लड्डू के लिए इसको पूरी कविता पढ़नी पड़ी है। हाँ यार बहुत मेहनत लगी यार एक लड्डू पाने के लिए बहुत मेहनत लगी आज। तो अभी अभी हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ग्राउंड की तरफ जा रहे हैं, वहीं पर कैफेटेरिया है एंड स्पोर्ट्स का भी वहीं पे है, स्पोर्ट्स का भी वहीं पे है। स्पोर्ट्स की मैंने क्लिप बना ली है, वो भी डाल दूंगा यहीं बाद में। और अब ये है कैंटीन, ठंडा दार देगा ना मैंने, दार भी दिया, दार भी दिया, नहीं लहर तो रहे। यहाँ पर क्लिप डालूंगा मैं अपनी, यहाँ पर फंक्शन हुआ था अभी सुबह सुबह जब हम कॉलेज आए थे 7:30 बजे, ये ज़रूर मैंशन करूँगा, बहुत जल्दी बुलाया लोगों ने। शीर्षक है आज़ादी की लड़ाई, तो सुनेगा। आजादी की लड़ाई में दुश्मनों से हम अपने लड़ जाएंगे, वीर भगत सिंह, शेखर आजाद ऐसे नाम फिर उमड़ आएंगे, और बच्चा हमारे वतन का हर एक ऐसा ऊंचा नाम करेगा, माँ की कोख में होते हुए वो भारत माँ को प्रणाम करेगा। क्यों बस आज तुम महज 24 घंटे के लिए भगत सिंह और बिस्मिल के नारे लगाते हो, और सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है कि गीत गाते हो। दुश्मनी को दिखा दो, पुलवामा से जो खेलेगा भारत उसका बदला भी हंसते हंसते ले लेगा। ये भी जो बिल्डिंग है दोनों, ये दोनों हॉस्टल्स हैं, एक गर्ल्स हॉस्टल है एक बॉयज़ हॉस्टल है। एंड हॉस्टल फैसिलिटीज़ अच्छी हैं और 90 के हैं शायद, मतलब 90 बॉयज़ और 90 गर्ल्स आ सकते हैं हॉस्टल। किसी को गर्ल्स हॉस्टल में घुसने के पास से भानु को कॉन्टैक्ट करें। तो नहीं यार ये ज़्यादा हो गया इतनी जान पहचान नहीं है मेरी, सबको जानते हैं भाई यहाँ पे। तो यार ये है अपना ग्राउंड, पीछे तक आप देख सकते हैं पूरा। एंड जो भी पिक्स मैंने बताई यहीं से ली जाती है, क्योंकि यार यहाँ से पूरी व्यू अच्छा आता है और जितने भी 6 की 6 बिल्डिंग अपने कॉलेज की दिख जाती है प्रॉपरली। तो यही एरिया है यार, यहाँ देख लो, यहाँ ऑलमोस्ट सबकी पिक्स होगी, यहीं सब अपनी पिक्स क्लिक कराते हैं। तो यहाँ से पूरी 6 की 6 बिल्डिंग दिख जाती है अपने कॉलेज के। तो अभी हम कैंटीन जा रहे हैं एंड ये ग्राउंड है पूरा। तुम्हें यार अंदर इतने लोग नहीं दिखेंगे कैंपस में जितना तुम्हें यहाँ ग्राउंड में दिख जाएंगे लोग बैठे हुए। तो यार ये है कैंटीन, और कैंटीन में बता दूँ काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। विंडो ही तो मैं एक बारी विंडो से दिखा देता हूँ आपको, शायद दिख जाए, नहीं देख सकते हम, बट कैंटीन यार काफ़ी बड़ी है इस कॉलेज में, बहुत ज़्यादा बड़ी है। एंड सब मिलता है कैंटीन में, सब जो भी आप चाहो। साइड में ये है, क्या बताया था, अमूल, अमूल की एक शॉप है। और ये है अपना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाने का रास्ता, 1st फ्लोर पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, मैंने अभी क्लिप डाल दूँगा मैं। और ये अब हम 1st फ्लोर पे हैं, एंड मैं तो पहली बार आया हूँ 1st फ्लोर पे, जनरली हम 3rd फ्लोर पे जाते थे। क्या अंदर क्या है, गालियाँ लिख जाती हैं, अच्छा आइडिया है, नहीं होगा भाई, नहीं होगा। और ये ऐसे बंदे होते हैं जो फेयरवेल पे पंखे तोड़ देते हैं। अरे पंखे हमने क्लास में पूरी जॉइंट पर तोड़ देते हैं, देख लो भाई। अब हमने अंदर आ चुके हैं, अरे काफ़ी प्यारा व्यू। एंड ये डेस्क जहाँ से प्रोफेसर्स लेक्चर देते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ खड़े होके जब बंदी छोड़ के भाग जाए तो बंदे ऐसे बैठते हैं। होता है यार, यश होता है। कौन सा फ़ोन है अब तो बता दे। M1 सैमसंग का। अच्छा, अपना आई एम माई बेस्ट। क्या निकाल दे? चल भाई यश, पढ़ा भाई, लेक्चर दे। लेक्चर थिएटर है। चलो आज क्या पढ़ेंगे हम, बताइए। तो कोई किस्सा बताओ। ये रैंचो बनने की कोशिश कर रहा है। यहाँ भी ये लिखेगा। क्या क्या ये लिखा था उसने? फरानाइट्रेट। ओ तो यार, अभी हम फैकल्टी क्यूबिकल्स मैथमेटिक्स लैब या फिर जो भी है, प्रोफेसर्स के कैबिन वगैरह बने हुए हैं यहाँ पे। और व्यूज़ इतने अच्छे आ रहे हैं कि मुझे लगता नहीं है प्रोफेसर बैठ के, मन लगता होगा उनका काम में। तो पीछे देख सकते हो यार, व्यूज़ काफ़ी प्यारे हैं। और अगेन NSUT का फ्लैग दिख रहा है। प्रिंटर चाहिए? क्या चाहिए? प्रिंटर ना भाई, मैं क्या करूँगा। मुझे लग रहा है ये सिर्फ चोरी करने आया है, कोई फायदा नहीं है इसका। कभी शीट चुरा रहा है, कभी EDC का पोस्टर चुरा रहा है। मैं भी चुराया नहीं करेगा। ठीक है भाई, ये भी ठीक है। चुराया नहीं है इसने, लिया है, बिना पूछे लिया है, तो उसे चुराना ही कहते। हमने एक एक मारकर यहाँ से उठा लिया है। खैर, मन करेगा तो वापस रख देंगे। प्रोफेसर्स कुछ बोलेंगे नहीं ना। एक मार्कर के 20 रुपए के मार्कर। हाँ यार, पैसे दे देंगे यार, इतने क्या है यार, 20 रुपए का मार्कर ही था यार। ठीक है, तो यार ये एक अच्छी बात है अपने कॉलेज ने, मतलब जहाँ पर हमारा बॉयज़ हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल है, वहाँ पर कोरोना सेंटर बन गया था। तो 200 बेड की मेडिकल फैसिलिटीज़ आ गई थी यहाँ पर सब में। और हॉस्टल्स आपको दिख रहे होंगे, शायद दिख ही रहे होंगे। तो ये अच्छी बात है, करते रहना चाहिए ऐसे काम। तो इसलिए मैं बोलूँगा आई एम प्राउड ऑफ माई कॉलेज। ये अब क्या, ये भाई देखो यार, दोबारा से चोरी करने लग गया यार ये। कुछ ना कुछ करने आया है ये बस कॉलेज में। क्या मिला है? ये सांप टाइप कुछ है, काफ़ी सही घूमता है। ये हैं पोस्टर्स। कैश प्राइस 10,000। अरे वाह, बड़ा कुछ करना है हमने अभी तो। इसे भी कुछ बड़ा करना है, और भी बड़ा कुछ करना है। क्या है बताया गया है? ये ब्लूप्रिंट है क्या? जैसे हर सोसाइटी के वो होते हैं ना, अलग अलग फेस्ट। हाँ, ऑल दैट हमारी सोसाइटी का होता है कि मेन हमारे तो एंटरप्रेन्योरशिप किया है। अच्छा, तो अलग अलग उस पर लेते हैं टॉपिक्स पे रिलेटेड। तो यार अभी हम 4th फ्लोर पे हैं एंड काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं यहाँ से। 1 साल हो गया अब तक आया नहीं कॉलेज में, एंड ये मैं शायद मेरे ख्याल से 5th टाइम आ रहा हूँ कॉलेज में। अब तो खुल जाएंगे ना शायद कॉलेज। खुलने तो चाहिए मेरे ख्याल से यार। सुना तो मैंने एक ही आदेश को खोल देंगे बीच में। क्या सीन है? तो ना यार ये ऊपर जा रही है, ना ये खुल रही है, पता नहीं क्या हो गया। एक साइड कुछ उल्टा से, अबे चल गई। 6 तो दबाया तो चलती। 5th मतलब इज्जत ही नहीं है भाई 5th फ्लोर की। तो यार 6th पे आ चुके हैं। सेशंस लेने के लोग बंदा वो लाके। तो ये है मल्टीपर्पस हॉल, पूरा खाली पड़ा है, पूरा खाली पड़ा है। और ये लाइट आ गई, अब लाइट आ गई। क्या वही जला रहा है? हाँ सब चला दे, एक भी फैन छोड़ ना जाए। सब चला दे। तो यहाँ से मेन गेट दिखता है कॉलेज का, गेट नंबर 1। और हाँ वो छोटी सी दिख रही है। हाँ 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 वही वही वही, वो बाइक है मेरी यार, वो अकेली खड़ी है बेचारी। चोरी नहीं हुई। चलो सिक्योरिटी अच्छी है। तो अभी हम कहाँ पर हैं? हाँ, मेरे पीछे आपको ग्राउंड दिख रहा होगा, एंड अभी जहाँ पर मैं हूँ ये पीछे है ऑडिटोरियम है। ये ऑडिटोरियम का मेन गेट है। तो चलते हैं अंदर, लेट्स गो। कैमरा क्वालिटी बेकार है क्योंकि लाइटिंग अभी है नहीं इतनी अच्छी। यहाँ पे काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं एंड पूरी आपको यार यहाँ पे सिनेमा हॉल वाली फील आएगी। हाँ जो पीछे गार्ड भी आए ना, हाँ उन्होंने हेल्प करी है हमारी। तो अभी क्या हुआ था कि अभी हम चल रहे थे अंदर ही ग्राउंड फ्लोर पे, तो हमें गानों की आवाज़ आई, तो हमें लगा कोई नहीं होगा कॉलेज में, बट गार्ड भैया बैठे थे गाने सुन रहे थे। मैंने लहंगा ले दे मर जाने। तो हमने उनसे पूछ लिया ग्राउंड का रास्ता। साइड में है ग्रीनरी, सिर्फ ग्रीनरी और तीन चार लोग पढ़ते हुए उपन्यास लिख रहे हैं। थोड़ा पास से दिखा दिया। सेल्फी ले ले इनके साथ। महर्षि वाल्मीकि लग रहे हैं। हाँ वाल्मीकि जी। तो काफ़ी थकावट के बाद आज का व्लॉग बस यहीं मैं एंड करना चाहूँगा। एंड हम दोनों काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं, अब व्लॉग बनाने की हिम्मत नहीं हो रही है। सुबह से कुछ खाया नहीं, भूख भी ज़्यादा लग रही है। 7:30 बजे एक तो बुला लिया इन लोगों ने। 7:30 बजे फंक्शन कौन रखता है भाई। चलो ठीक है। भी नहीं खास इतना। हाँ लड्डू दिया ना, एक लड्डू दिया था यार। एक लड्डू से बंदा के तो दिन चल लेगा। एक लड्डू के लिए इसको पूरी कविता पढ़नी पड़ी है। हाँ यार बहुत मेहनत लगी यार। एक लड्डू पाने के लिए बहुत मेहनत लगी आज। काफ़ी ने तो दो दो तीन तीन भी खाए। उसमें हमारे प्रोफेसर्स भी शामिल हैं। तो अब चलते हैं, घर चलते हैं।